हजार की चाल हम देख रहे थे, कमजोरी की तरफ थी। 16,300 के पार भी जाएगा नहीं, ये सवाल था। लेकिन अब आप देखें 16,484 के लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत रिलायंस के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि रिलायंस टॉप हीरो कह सकते हैं। रिलायंस में जो दमदार तेजी देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 3:30 बजे में जो एकदम से तेजी आती हुई दिखी। देखिए 2,796 के स्तर पर 2,800 के बिल्कुल नजदीक रिलायंस का स्टॉक करीब 3% के अप मूव्स दिखाते हुए, यही है सबसे बड़ा सपोर्ट जिसने बाजार को हरे निशान में यहां पर देखने को, अब यहां पर इतना बड़ा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट 16,485 के लेवल्स पर निफ्टी को भी लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा अगर देखें तो लिकर स्टॉक्स आज सुबह से ही फोकस में थे, न्यूज बेस इंपैक्ट थी जिसके चलते पंजाब लिकर प्राइजेस को लेकर एक खबर आती हुई दिखी, और ये हमने आपको एज न्यूज भी बताई थी। उसके ठीक बाद लिकर स्पेस में आपने आज हरे निशान के साथ देखा ट्रेड, करीब रैडिको, खैतान, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हर तरफ हमने देखा ग्रीन पैटर्न, खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। इसके अलावा फार्मा, डायग्नोस्टिक जैसे स्पेस, इनफैक्ट हम ये भी कह रहे थे कि दारू, दवा और डायग्नोस्टिक था जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड नजर आए। यहाँ पर लिकर की तो बात हमने कर ली, लेकिन साथ ही फार्मा स्पेस को भी देखें, अच्छी तेजी के बीच वहाँ पर भी ट्रेड्स नजर आए हैं। डायग्नोस्टिक, क्योंकि कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट है कि जो हम फार्मा स्पेस और साथ ही डायग्नोस्टिक लैब्स पर एक तरह से देख रहे हैं। थायरोकेयर जैसा स्टॉक है, चाहे बायकॉन, डॉक्टर रेड्डी, स्टूडेंट फार्मा, सन फार्मा, इन तमाम स्टॉक्स में बायकॉन में आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज। बायकॉन के साथ एक खबर भी थी जिसका असर आपने आज के सत्र में देखा। निफ्टी एनर्जी स्पेस को भी विजिट करना चाहिए, क्योंकि IOC, HPCL, BPCL जैसे स्टॉक्स में भी हमने जो पिछले 6 महीने का ट्रेंड है कमजोरी का, वहां से एक ट्रेंड जो है धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आया, वो हमने आपको डायरेक्ट भी किया, आपको बताया भी कि इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। ध्यान रखिए रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़ी खबर आते ही, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़ी जो खबर आई उस पर रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़े स्टॉक्स MRPL, चेन्नई पेट्रो पर भी हमने डायरेक्शन दिए थे, और अब ये स्पेसेस भी हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में IT स्पेस, FMCG, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र, तमाम स्पेसेस में बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला, जहां निफ्टी, IT, एम्फासिस, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे। गोदरेज कंज्यूमर और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनी SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहे। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है, 29,000 के पार यहां पर अभी हम देख रहे थे जिस तरह से ट्रेड नजर आ रहे थे। यहां पर सेंसेक्स अगर आप देखेंगे 55,335 के स्तरों पर, निफ्टी 16,481, 16,500 के नीचे, लेकिन 16,450 के पार यहां पर ट्रेड बंद होते हुए। बैंक निफ्टी देखिए 35,113 के लेवल पर 167 अंकों की बढ़त दिखाते हुए। चलिए